हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा जारी यह भर्ती विज्ञापन है, जिसमें नगर सैनिक के पद पर भर्ती हेतु ये आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल जानकारी कि क्या है यह भर्ती और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ ऊपर में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नगर सैनिक के विभिन्न पद पर महिला एवं पुरुष दोनों के लिए अलग अलग पद निकाला गया है। इसमें भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं और कितने कितने पद हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 10 तारीख से है या 10/7/2024 से? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/8/2028, यानी कि 1 महीने का समय है। त्रुटि सुधार करने के लिए 17/8/2024 तक का टाइम दिया जाएगा। और बात करें परीक्षा शुल्क की, तो जो अनारक्षित जनरल और पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको ₹300 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट को ₹200 का फॉर्म भरना पड़ेगा, इतनी परीक्षा शुल्क लगेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद पर जनरल ड्यूटी हेतु इन पदों में महिलाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण होगा। तो मतलब 500 यहाँ पे भर्ती होगी, उसमें भी वीमेन्स को आरक्षण मिलेगा 30%। और वहीं 1715 यानी 1715 महिला नगर सैनिक के पद महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु, ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट हैं। तो कुल मिला के आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 500 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों की भर्ती होगी, क्योंकि इसमें 30% आरक्षण मिलेगा फीमेल को। और ये 1715 पोस्ट केवल और केवल महिलाओं के लिए है। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी कि किस टोटल इतने पद हैं और कितने किस तरह से रिजर्वेशन लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 500 नगर सैनिकों के रिक्त भर्ती के लिए वर्गवार विवरण जनरल ड्यूटी हेतु यहाँ पर दिया गया है। इधर जिले का नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ जिले का नाम दिया गया है, देखिए कॉलम में। और यहाँ पर वर्गवार रिक्तियाँ, तो ये अनारक्षित अनरिजर्व, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ आप देख सकते हैं रायपुर में 22। इस तरह से आप इसको डिटेल देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कितने कितने पोस्ट हैं। ये आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए कितने पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए कितने हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं। तो ये सारे चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, विस्तार से देख सकते हैं। ये तो थी 500 नगर सैनिकों के रिक्त पद का डिटेल विवरण। अब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो अलग से पद है, यहाँ और नीचे दिया गया जानकारी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर मुंगेली टोटल 500 पोस्ट हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, सीट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पोस्ट की, जो है महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर महिला स्वयंसेवी नगर सैनिक का विवरण दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा केवल और केवल फीमेल भर सकती हैं, मेल कैंडिडेट इसमें नहीं भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 1715 पोस्ट है और डिटेल अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप क्या करें कि वीडियो को अच्छे से देखें, उसको पॉज करके देखें, ताकि आपको ये डिटेल विवरण दिखे कि कौन कौन से ज़िले में कितने कितने विभिन्न वर्ग में कितने कितने क्या हैं सीट आरक्षित हैं और कितने सीट हैं टोटल। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल विवरण। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके इन सारे डिटेल विवरण को जरूर देखें। चलिए ये तो थी पद, टोटल पद। अब आपको क्या क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए।
तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब अगर आप सरगुजा के लिए भर रहे हैं तो सरगुजा का मूल निवासी आप मूल निवासी मतलब सरगुजा के ही निवासी होनी चाहिए। आप सूरजपुर के निवासी हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी दी गई है आपको, ताकि आपको अपने ज़िले में ही रोज़गार मिल सके। तो दूसरे ज़िले के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, केवल सरगुजा में सरगुजा ज़िले के ही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। उसके बाद उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, आपका पंजीयन होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मान लिए ये तीनों योग्यता आपके पास है। उसके बाद बात करते हैं वेतनमान की। यहाँ एक वर्ड कहा गया है शासकीय सेवक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये शासकीय सेवक नहीं होंगे। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। चूँकि नियमित नहीं है इसलिए नियमित वेतनमान की इनको पात्रता भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। तो अगेन यहाँ पे वेतन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना वेतन होगा। बात करें आयु एज सीमा या उम्र की, तो 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप 19 साल से कम नहीं होने चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होने चाहिए 1 जुलाई 2024 की परिस्थिति में। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, उसमें से शैक्षणिक अर्हताएँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। सामान्य वर्ग, अन पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए, सामान्य वर्ग, अन पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना है। मतलब SC, ठीक है, SC, OBC और सामान्य वर्ग के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं ST वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अगर जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके पास 10वीं है तो वो भर सकते हैं, सॉरी 8वीं है तब भी भर सकते हैं, लेकिन जनरल और पिछड़ा वर्ग और SC के जो कैंडिडेट हैं उनके पास 10वीं होनी चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ये आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना चाहिए। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है अगेन शारीरिक अर्हता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर फिर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, इसके लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक, राजस्व जिले, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 153 सेंटीमीटर मांगा गया है केवल कुछ ही जिलों के लिए, कौन कौन से, तो यहाँ पर दिया गया है ये ST वर्ग के लिए है, ध्यान रखिएगा। 157 सेंटीमीटर या उससे अधिक, शेष राजस्व जिले के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। एक बार फिर मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा, 168 सेंटीमीटर किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये OBC के लिए है, जनरल के लिए है और SC के लिए है। 153 सेंटीमीटर किसके लिए है, ST के लिए है, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ ही जिले जहाँ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 158 सेंटीमीटर शेष सभी जिलों के लिए, इन जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों के ST अभ्यर्थियों को 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक हाइट होनी चाहिए। हमें सीना बिना फुलाए, अगेन 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 76 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। 81 सेंटीमीटर किसके लिए है, ठीक है, अगेन ST को छोड़ करके, और ST कैंडिडेट के लिए अज्जा के लिए 76 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर और अज्जा के लिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है।
का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर हो। इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगे। फीमेल के लिए यह नहीं है, पर पुरुष के लिए यह अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ग अभ्यर्थी में नाक नोक नी फ्लैट फुट ना हो एवं शारीरिक रूप से अपंग नहीं होनी चाहिए। यह अर्हता सभी वर्ग के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, नाक नी फ्लैट फुट या फ्लैट फुट ये नहीं होनी चाहिए और ये सभी के लिए अनिवार्य है। में किसी भी प्रकार का किसी भी वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई है। ये तो हो गई शारीरिक अर्हता की बात। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जो 12वें पॉइंट में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो क्या क्या यहाँ पर आपको क्या है, दौड़ पार करना है। पुरुषों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कितने कितने अंक है टोटल यहाँ पर बताया गया है, 25 अंक 25 अंक 25 अंक 25 अंक। तो टोटल कितने हैं, 100 अंक। तो आपको शारीरिक दक्षता में कितने हैं आपके, 100 अंक। और उसके बाद महिलाओं के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर 800 मीटर दौड़ के लिए 50 अंक है, लंबी कूद के लिए 25 अंक है और ऊंची कूद के लिए है 25 अंक। तो इस तरह से 100 अंक इनमें भी है। अब ये अंक कैसे कैसे ला सकते हैं, इन पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अंक ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, उपरोक्त सभी आइटमों में अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही मौका मिलेगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में से 50% अंक तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन 100 अंक में कम से कम जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनको 50 अंक, ठीक है, और ST ST OBC को कम से कम 40 अंक लाना आवश्यक है, दोनों वर्ग में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और उसके बाद क्या होगी, ये होने के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा के यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिखित परीक्षा में क्या होगा, 100 अंक का होगा, ठीक है। शारीरिक प्रतियोगिता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप फिजिकल में पास होते हैं तभी आपको रिटर्न एग्जाम लिखने दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, बिल्कुल 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, सही, ठीक है। इस परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए 50% और बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40%। तो ध्यान रखिए, 2 चरणों में होगा टोटल। आपको लिखित में भी 40% कम से कम क्या करना पड़ेगा, 50% जनरल कैंडिडेट को लाना होगा और रिजर्व कैटेगरी है उनको 40%। तो ये तो हो गया क्लियर, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है बोनस अंक। तो बोनस अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ बोनस अंक के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा आप डिटेल में ताकि आपको आपको बोनस अंक मिल सके। यदि आप, ठीक है, ये सभी पात्रता रखते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरते समय अप्लाई करें, आपको बोनस अंक मिलेगा आपके पास, अगर इन सभी में आते हैं अगर आप, तब उसके बाद क्या होगा, चयन सूची होगी और फिर बाद में फाइनली आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, ये सभी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है तो आप क्या करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।